देखूँ गाइस। तो पहले हमने स्टैंड की अनबॉक्सिंग की थी, इसकी बम किसी और चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। ये तो मुझे तो आइडिया तो नहीं इसके अंदर भी क्या होगा, लेकिन इसके अंदर तो मोबाइल की चीज़ ही होगी, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह, इसकी शायद ईजी अनबॉक्सिंग है, देखते हैं। तो ये चीज़ निकली, इसमें लिखा हुआ है JDF2 ओपन द मैजिक, यानी कोई ये मैजिक वगैरह हो सकता है। ये तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। इसको हम रख देते हैं, मैजिक बॉक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसको वैसे ही बॉक्स में रख देते हैं। तो उसके बाद मोबाइल का कवर, शायद मोबाइल का कवर ही लग रहा है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। पूरे में टेप लगाई हुई है, मैंने जेली कवर मंगवाया था मोबाइल के लिए, ये शायद जेली कवर जो होगा जो मंगवाया है वही ऑर्डर आएगा, बाहर की बात है। तो जेली कवर ही है ये, फाइनली कवर आ चुका है। ये आईफोन 6s का है, मेरे पास ये आईफोन 6s 128 GB, लेकिन बाईपास है। तो ये आके चेक करते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं। तो ये मैंने लगा दिया है, सही है, कोई इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन सेफ्टी के मुकाबले में बहुत अच्छा है। अगर आपका मोबाइल गिर भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई डैमेज वगैरह हो सकता है, इसलिए कि जेली कवर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो लास्ट में मैं मतलब जो भी मैंने मंगवाई ये चीज़ें उस सब की प्राइस आपको मैं बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो इसलिए वीडियो आप पूरी देखना, और इस वीडियो के तकरीबन 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तो 3-4 चीज़ों की और अनबॉक्सिंग बाकी है। चलिए ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में और किसी और चीज़ की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पता नहीं क्या है, ग्लव्स मैंने मंगवाए थे, शायद ग्लव्स ही है, हवा बहुत टाइट आ रही है यार इसमें। हाँ गाइस, ये ग्लव्स ही है, 2 पेयर मैंने मंगवाए थे ग्लव्स के, और ये मेरे पास दोनों के दोनों आ गए, लेकिन दोनों का कलर सेम ही है, ब्लू में। और 2 पेयर सब पूछे क्यों मंगवाए, तो इसलिए मंगवाए कि मैं पबजी खेलता हूँ 4 फिंगर में, और 2 फिंगर में अगर ग्लव्स होते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, 4 फिंगर में ही सब में ही ग्लव्स हो गए तो शायद गेम प्ले और भी अच्छा हो सकता है। गेम प्ले की वीडियो भी मैं कभी कभी अपलोड कर लेता हूँ, वो भी आप देख लेना। इसकी प्राइस मैं अभी बता देता हूँ, ये 50 रुपीज़ का एक मुझे मिला, 100 रुपये के 2 मिले 100 रुपीज़ के। इसके बाद इसको हम रखेंगे साइड में और किसी और चीज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये बॉक्स है मेरे पास, अब इसका आइडिया नहीं है इसमें भी क्या हो सकता है क्या नहीं, शायद रिंग लाइट लग रही है मुझे, देखते हैं शायद निकल रहा है, वो भी मैंने मंगवाई थी। अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है, 2-3 और चीज़ें बाकी है अभी, तो वीडियो बहुत ही मतलब लंबी होने वाली है, इसलिए 2-3 पार्ट में ही हम पोस्ट कर पाएंगे, इसलिए कि कोई 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा कोई आदमी वीडियो नहीं देखता, बोर हो जाता है। हाँ भाई, रिंग लाइट यही है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं बंद। JDF2 की है, और इसमें मेक फेस एंड आइज एंड ब्यूटी, 3 ऑप्शन है इसमें, 3 कलर है, मल्टी कलर्स। तो अभी तो मैं आपको चेक नहीं करवा सकता इसलिए लाइट गई भी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कैसा आया कैसा नहीं। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले, इसमें हमें मिल जाता है रिंग लाइट मिल जाती है, उसके साथ रिमोट मिल जाते हैं जो उसके साथ ही होता है फिक्स, उसके साथ ये शायद मोबाइल स्टैंड है
ज़्यादा तो मुझे नहीं पता। हाँ मोबाइल सही नहीं लग रहा, और देखते क्या है बॉक्स में, इसको रख देते हम साइड में। तो एक ये चीज़ भी थी इसमें से जो अभी रिंग लाइट निकालने की वजह से गिर गई थी, देखते ये भी क्या है और बॉक्स में तो कुछ है और भी। तो गाइस अभी हम रिंग लाइट बना के चेक करते हैं, ये शायद इसमें जाएगा, ये हम बाद में करेंगे, पहले अनबॉक्सिंग और भी चीज़ें भी करते हैं, रख लेते हैं साइड में। ये फिर से जो मोबाइल फोटो रखते हैं होते हैं स्क्रीन के ऊपर जो लगता है मोबाइल होल्ड करने के लिए, फिर वही आगे इसके अंदर भी गाइस सबसे पहले हमें तो ये रबर मिल जाते हैं, उसके बाद ये मोबाइल होल्डर कुछ भी बोल सकते हो, होल्डर भी बोल सकते हैं, स्टैंड भी छोटा सा बोल सकते हैं, तो उसमें मोबाइल आ सकते हैं ईजीली। इसके बाद हमारे पास है स्टैंड जो कि रिंग लाइट उसमें लग सकती है, ये वाला स्टैंड है हमारे पास, 6 फिट का स्टैंड है, 6-7 फिट का, खोलेंगे फिर ही पता चलेगा। इसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं अभी। ईजीली अनबॉक्सिंग हो चुका है, अनबॉक्स ईजीली बिल्कुल, तो हम निकालेंगे ये। तो गाइस ये स्टैंड, नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का आएगा उसमें आपको हम 7 फिट तक खोल के दिखाएंगे कि वाकई में 7 फिट तक ये जाते हैं या नहीं। उसको हम रख देते हैं साइड में, एक और स्टैंड वो हम चेक करते हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी बकवास है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतनी खास नहीं है जो मुझे लग रहा है। दूसरा स्टैंड है उसकी क्वालिटी चेक करते शायद इससे अच्छी निकल है, तो उसको हम रख लेते हैं साइड में। ओ भाई ये आज की मेन चीज़ है, मेन स्टैंड है आज का, ये शायद 5 फिट का है, हाँ चेक कर लेते ये भी। ओ गाइस इसकी क्वालिटी बेस्ट, इसके ऊपर ये भी लग सकता है, रिंग लाइट भी लग सकती है इसके ऊपर, ये लगा के चेक करते हैं कैसे लगेगा ये। तो गाइस ये इसमें लग गया, उसके बाद इसमें मोबाइल लगाएंगे, ये वाले मोबाइल सी एस में आ गया है, ये मैंने सही से टाइट की है, इसलिए थोड़ा मूव हो रहा है, लेकिन अगर सही से लगाओ तो ये कुछ भी नहीं होगा, मूव होया नहीं होगा। और ये बिल्कुल मतलब कैमरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, ईजी टू यूज़ है बिल्कुल। तो ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के बिल्कुल ओपन करके दिखाएंगे हम आपको, देखते हैं ये कितने फिट का है कितने फिट का नहीं। ओके गाइस थैंक यू वॉच करने के लिए, तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टैंड जो भी मतलब अभी सामान है रिंग लाइट दो तीन स्टैंड वगैरह सबको हम यूज़ करके दिखाएंगे कि ये यूज़ कैसे होते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मेहनत की इसके पीछे भी, ज़्यादा बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी मेहनत लगती है, टाइम भी बहुत लगा है, तकरीबन ये आधा घंटा तो लग ही चुका है इसमें। कोशिश करूँगा ये वीडियो भी दो पार्ट में मैं अपलोड करूँ, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की बना के एडिट करूँगा थोड़ी बहुत। तो चलिए ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।